देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। मध्य प्रदेश में वाणिज्य कर विभाग के मुद्राएं एवं पंजीयन विभाग द्वारा रजिस्ट्री में लगने वाले स्टाम्प शुल्क के साथ एक उपकर भी लगाया जाता है। यह उपकर इसलिए लगाया जाता है कि इसके उपयोग से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके तथा ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगारों को भी शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों के समान रोजगार के अवसर प्राप्त हो। यह उपकर पहले 0.25% था, जो अब बढ़कर 0.50% हो गया है। इसे खाली भूखंड, कृषि भूमि के दायरे से बढ़ाकर अब मकान, दुकान, फ्लैट, ऑफिस, गोडाउन आदि निर्मित संरचना पर भी लगाया गया है। एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने एक प्रेस वार्ता में मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि हाल ही में केंद्र सरकार की एक सर्वे रिपोर्ट में यह जानकारी मिली है कि मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार 8% घटे हैं। वर्ष 2003 में इस उपकर से सरकार को 104 करोड़ की राशि प्राप्त हुई थी, वहीं अब बढ़कर 1800 करोड़ से अधिक का राजस्व मिल रहा है। जब सरकार को बढ़कर उपकर के रूप में 1 करोड़ रुपए प्राप्त हो रहे हैं, तो फिर ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर क्यों घट रहे हैं? द्विवेदी ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या मोदी सरकार की रिपोर्ट झूठी है या फिर शिवराज सरकार में प्राप्त उपकर का सदुपयोग नहीं हुआ है? सरकार ग्रामीण क्षेत्र में पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में असफल क्यों रही है? इसका जवाब देना चाहिए। सरकार को रोजगार का अवसर खर्च करना थी, वह नहीं खर्च हो पाई और 8% रोजगार घटे, ऐसा आरोप आपने लगाया, क्या कहना चाहिए? मैंने आरोप नहीं लगाया है, प्रधानमंत्री जी की रिपोर्ट है, केंद्र सरकार की रिपोर्ट है, मेरे आरोप नहीं है, रिपोर्ट के आधार है और मध्य प्रदेश उसमें पहले नंबर पे है। साथ ही साथ पुस्तक आपको दे दी, कानून आपको बता दिया और आज आप रजिस्ट्री कराने आ जाओ, 0.5% उपकर की राशि दे जाओ। पहले केवल कृषि पर लगता था, फिर कालांतर में प्लाट को उसमें जोड़ा गया, अब मकान दुकान यानी हर प्रकार की रजिस्ट्री पर आपको उपकर देना होगा। ये उपकर की राशि पहले लाखों में होती थी, आज करोड़ों में है। कहाँ गए पैसे? नियम था कि इसकी वसूली केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुनिश्चित करने के लिए होगी। कहाँ है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार? अगर थे तो प्रधानमंत्री की रिपोर्ट गलत, अगर है तो बताइए कहाँ है, कहाँ खर्च कर दिया आपने, और अगर खर्च किया तो ये बताइए कि फिर उधार कहाँ लेते गए? रोजगार अगर आपने दे दिया तो, वास्तव में 2 साल से जब मनरेगा बंद हो गया है तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर और ख़त्म हो गए, अन्यथा 18 साल पहले ही मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर तो समाप्त कर दिए गए हैं। केवल मनरेगा ने जो अवसर दिए थे 2 साल पहले, वो भी समाप्त हो गए हैं।